الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ईद का त्योहार आया है, खुशियाँ अपने संग लाया है, खुदा ने दुनिया को महकाया है। देखो ईद का त्योहार आया है। नमस्कार, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल खटके सर की तरफ से अपने मान सम्मान योग्य सभी लोगों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। इस त्योहार को सभी आपस में मिलके मनाते हैं और पूरे विश्व में ईद की खुशी पूरी हर्ष उल्लास से मनाई जाती है। इस प्रकार कुछ दोस्त ईद की विस्तृत जानकारी लेकर आपके प्रस्तुत करेंगे। ईद के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि 624 ईस्वी में पहली ईद उल फितर या मीठी ईद मनाई गई थी। ईद पैगंबर हजरत मोहम्मद के युद्ध में विजय प्राप्त करने की खुशी में मनाई गई थी। तभी से ईद मनाने की परंपरा चली आ रही है। रोज़े ख़त्म होने के बाद ईद के दिन कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ईद भाईचारे का आपसी मेल का त्यौहार है। इसमें एक दूसरे के दिल में प्यार बढ़ाना और नफ़रत को मिटाना सबसे ज़रूरी है, इसलिए लोग ईद में गले मिलते हैं। My name is Saad Abdul Ahad. I'm studying grade 5. Today I'm going to tell you about Ramzan. For starting the fasting, we have to do Sahri. रही है, बेटे के लिए कहाँ से कपड़े लाओ, अब तो लॉकडाउन है। इस कपड़े से एक कमीज बनाती हूँ। अम्मी अम्मी, कल ईद है, ईद का चांद नजर आ गया। चलो चलो, ईद की तैयारी करते हैं। कल मुझे अब्बू के साथ ईदगाह जाना है। अच्छा अम्मी, इस साल आप ईद की खरीदारी के लिए हमें बाजार भी नहीं ले गए, ऐसा क्यों? हाँ बेटा, इस साल हम ईद घर पर ही मनाएंगे। हम सब घर पर ही ईद की नमाज पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसा क्यों अम्मी? और मेरे नए कपड़े? क्योंकि बेटा, बाहर कोरोना वायरस की बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है,
इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सोशल डिस्टेंस? वो कैसे? हाँ, हमें एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है और इसका अभी तक वैक्सीन भी नहीं बना है। तो क्या अम्मी, हम कल किसी से नहीं मिल सकते? और मेरे नए कपड़े? ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए घर पर ही नए कपड़े बनाए हैं, कैसा लगा? वाह अम्मी, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। शुक्रिया अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। तो बेटा, हम कल घर पर ही ईद मनाएंगे। सभी को ईद मुबारक फोन पर ही देंगे और एक अच्छे नागरिक का फर्ज भी पूरा करेंगे, है ना? हाँ अम्मी, ठीक है। अम्मी, इस बार हम ऐसे ही घर में रहकर ईद मनाएंगे। चलो चलो, अब जल्दी से खाना खा लेते हैं, और मेहंदी भी तो लगाना है, और सुबह जल्दी उठकर तैयारी भी करनी है। मैं शिफा फातिमा चौथी कक्षा की छात्र दिल्ली पब्लिक स्कूल खटकेसर में पढ़ रही हूँ। सूरज की किरणें तारों की बहार, हर घड़ी हो खुशहाल उसी तरह। मुबारक हो आपको ईद का त्योहार। ईद के दिन लोग गले मिलते हैं और खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों को ईद की नमाज अपनी घर में ही अदा करना चाहिए। ए दोस्त, आज हम कोविड-19 के वजह से गले नहीं मिल पाएंगे, पर दूर से ही पूरा रस्म जरूर निभाएंगे। आप सभी लोग घर में ही रहे, खुश रहे और कामना करें कि अपना हिंदुस्तान दोबारा हरा भरा व खुशहाल रहे। धन्यवाद। सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको। आशा करती हूँ आप सबको हमारी ये छोटी सी सभा पसंद आई। आप सबके उपस्थिति ने ईद के इस कार्यक्रम को चार चांद लगा दिया। हम शुक्रगुजार हैं उन सभी बच्चों का जो पूरे भावना के साथ ये सभा बनाने में मदद किए हैं। शुक्रगुजार हैं उनके वालिद साहब और उनके अम्मी जान जो सहयोग किए हैं। शुक्रिया अध्यापकगण और विशेषकर सौम्या और मोनिका जो दिन रात मेहनत किए हैं इस कार्यक्रम को आगे लाने के लिए। अंत में एक बार फिर से मेरा सलाम, खुदा हाफिज़।